हमारे साथ हैं आज पीयूष भाई बढ़ती रहेगी। बाकी इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि यार पीयूष भाई के बहुत लोग वो व्यू आते हैं, सब्सक्राइबर्स बहुत हैं, तो वो कहते हैं अर्निंग बहुत ज्यादा होती होगी, तो उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन और क्लियरिटी। हमारे साथ हैं आज पीयूष भाई, बिल्कुल जानते और जानते तो आप हैं, लेकिन ये जो वीडियो हमारी पीयूष भाई का प्रमोशन करने के लिए नहीं है, और क्या समझे कि प्रमोशन हो रहा है, यह है एक्सपीरियंस के लिए। बाकी प्रमोशन भी हो रहा है, सब्सक्राइब कर लेना नीचे कमेंट बॉक्स में, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके सब्सक्राइब करिएगा और पीयूष भाई को सपोर्ट कीजिएगा। बहुत अच्छी ट्रेन जर्नीज प्रोवाइड करते हैं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा अच्छी, मतलब ये मोहित भाई का मानना है, लेकिन दोनों की इक्वली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके एक्सपीरियंस की, भाई बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या ट्रेन जर्नीज में ऐसा क्या है, ट्रेन ब्लॉग्स में ऐसा क्या है कि हम उठ सकते हैं, तो भाई पीयूष भाई आपको बताएंगे कैसे इनकी जर्नी रही। स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि जीरो से 11,600 सब्सक्राइबर तक का सफर इन्होंने कैसे तय किया। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, जब मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया था तब मुझे ऐसा लगता था कि यूट्यूब कुछ नहीं है, बहुत हलवा है, आराम से आपको, मतलब आज आपने वीडियो डाली कल आपके पास पैसा आना शुरू, और रियलिटी में यही था जब मैंने वीडियो शुरू की थी। आज से 3 साल, मतलब 2017 की ये बात है, मैंने वीडियो डाली थी, उस समय यूट्यूब पर कुछ भी नहीं था, बस वीडियो डालो मोनेटाइज हो जाता था चैनल और आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता था। कोई क्राइटेरिया नहीं था, जब भी आप फर्स्ट वीडियो पोस्ट करोगे वो ही मोनेटाइज होती थी, आपको अपना नंबर वेरीफाई करना होता था बस, और ये लगा लीजिए आप, मतलब उस समय यूट्यूब इतना सख्त भी नहीं था, आप किसी की भी वीडियो डाल देते थे। तो मैंने भी यही काम करा, मैंने अपनी वीडियो नहीं बनाई, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, मैंने किसी की वीडियो कॉपी करी और वहाँ पर डाल दी, बाद में उस पर व्यू भी आ गए, मतलब लगभग कितनी अर्निंग हुई उससे, उससे लगभग मुझे 17 से 18 डॉलर मिल गए थे, 17 से 18 डॉलर एक कॉपीड वीडियो से मिले थे उस टाइम पे, यानी कि यूट्यूब की जो पॉलिसी है उस टाइम इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी इतनी आज है। बिल्कुल सही बात, तो वो मुझे मिल गए, मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कि भाई यूट्यूब पे तो अपना काम हो गया। फिर बाद में नया क्राइटेरिया आ गया कि भी 4,000 वॉच टाइम चाहिए आपको और 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए, तभी बस मामला खराब हो गया, तब डिसेबल हो गया मोनेटाइजेशन। तो फिर मेरा जो मोनेटाइजेशन था वो डिसेबल कर दिया गया यूट्यूब की तरफ से। फिर मुझे लगा कि जब वीडियो पे पहले भी ऐड आ रही थी तो नेक्स्ट टाइम भी आ जाएगी, तो मैंने उसी वीडियो को रहने दिया और मैंने अपने जो 4,000 आवर्स का वॉच टाइम था वो कंप्लीट कर लिया। फिर मैंने जब अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए तो यूट्यूब की तरफ से उसे रिजेक्ट कर दिया गया कि आपने वीडियो कॉपी करके डाली है, तो हम आपका, मतलब जिस वीडियो ने 17-18 डॉलर दिए थे बिल्कुल उसपे 4.5 लाख व्यूज हो चुके थे, वही वीडियो, उसी वीडियो ने बहुत सारा वॉच टाइम भी दिया था, तब उस टाइम पे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी क्योंकि उसकी वजह से मोनेटाइजेशन की जो एप्लीकेशन थी वो हमारी रिजेक्ट हो चुकी थी, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल झेला है पीयूष भाई ने। तो फिर मेरे उस समय तक सब्सक्राइबर लगभग 1500 सब्सक्राइबर हो चुके थे, और जब मैंने वो वीडियो डिलीट करी तब मेरे चैनल पे सिर्फ 500 घंटे बचे थे, अब आप खुद समझ सकते हैं, और मेरे एक्टिव व्यूअर उस समय कुछ भी नहीं थे, लगभग 1 या 2 व्यू आते थे, मतलब मोहित भाई का ही व्यू होता था और एक मेरा खुद का होता था, उस समय मेरा कोई व्यू नहीं आता था, कोई मेरी ऑडियंस नहीं थी, तो बड़ा, मतलब आप खुद सोचेगा कि आपकी एक वीडियो चल रही है और आप वही वीडियो डिलीट कर दें तो आपको कैसा फील होगा, बस वही चीज़ मेरे साथ हुई। फिर मैंने सोचा कि यार अब लगता है यूट्यूब पर कुछ नहीं होने वाला, फिर मोहित भाई ने कि यार कोई बात नहीं, जब यहाँ तक पहुँचे इतने व्यू आए तो नेक्स्ट वीडियो पे भी आएंगे, फिर मैंने कुछ चेंज किया, फिर मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी, फिर धीरे 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 हमने ट्रेन जर्नी शुरू कर दी और फिर ट्रेन ब्लॉग शुरू कर दिए। फिर मुझे याद आया कि मैंने भाई को काफ़ी अच्छी सलाह दी थी, भाई अगर हमें वॉच टाइम कम्प्लीट करना है तो हमें एकदम से क्विक बूस्ट चाहिए, और वो क्विक बूस्ट हमें मिलेगा न्यूज़ से। बिल्कुल, तो फिर मैंने पीयूष भाई को ट्रेन की जो न्यूज वगैरह देनी थी वो सिलेक्ट किया, मतलब काफी ज्यादा दिक्कत की इसने डालने में, वैसे मतलब मैं 1 महीने समझाता रहा कि भाई डाल दे, ये डालता नहीं था, इतना आलसी था, मतलब कि कैमरे के सामने आना नहीं चाहता था, ये समझ लो कि जो भी काम करना है कैमरे के पीछे से करना है, कैमरे के सामने नहीं जाना है, इसलिए मैंने रेल पेनिंग को चुना था शुरुआत में, लेकिन फिर मुझे बाद में पता लग गया था कि जब तक ऑडियंस से आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका ना वॉच टाइम कंप्लीट होगा और ना ही आपकी कभी अर्निंग हो पाएगी फ्यूचर में। तो फिर मैंने शुरुआत करी, रेल न्यूज डाली, बहुत ज्यादा न्यूज डाली, लेकिन फिर उससे वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे बाद में एनालाइज करा मैंने तो मुझे ये पता लगा कि जो न्यूज है वो सिर्फ आपको उस समय पर व्यू दे सकती है, लेकिन इन फ्यूचर वो वीडियो बिल्कुल डेड हो जाती है, आपके उस पर कोई वीडियो नहीं। यही वाली बात है कि जब हमने टेक न्यूज जैसे की होती है किसी की, तो टेक न्यूज से आपको मिल जाता है जितने सब्सक्राइबर मिलते हैं, एक्टिव मिलते हैं, कि वो उनके रिलेशन की होती है, बट जो रेल न्यूज होती है उसमें लोगों को सब्सक्राइबर से मतलब नहीं होता, उनके कंटेंट से मतलब नहीं होता, वो सिर्फ रेल न्यूज ही देखने के लिए आते हैं बस, और देख कर चले जाते हैं। मुझे याद है आज भी कि जब रेल न्यूज डालने का फैसला हुआ था तब भी हमारी काफी कम से कम दो तीन घंटे बात हुई थी, और जब रेल न्यूज छोड़ने का फैसला हुआ चैनल से तब भी हमारी 2-3 घंटे तक बहुत ज्यादा बात हुई कि भाई हमें ये स्टेप लेना चाहिए, चैनल लेना चाहिए। बाकी मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा वैसे, क्योंकि हम दोनों का कंटेंट सेम ही है, क्रिएटर हम सेम ही है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आपको अगर भेजना है अपने वीडियोस को ऊपर तो आपको एक्टिव ऑडियंस चाहिए, वो ऑडियंस चाहिए जो आपकी वीडियोस पर क्लिक करे
और उसको फुल वॉच टाइम दे। बिल्कुल सही कहा, अगर आपको अपनी कोई भी वीडियो वायरल करानी है तो आपके पास उस टाइप की ऑडियंस होनी चाहिए, तभी आपकी वीडियो वायरल होगी। अब फिर मैंने क्या करा कि मैंने रियल न्यूज बंद कर दी, मैंने सोचा कि आप कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने दूसरी वीडियो डालना शुरू करा 200 व्यू आते नहीं थे, तो मेरे बहुत कम व्यू आते थे, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा और अब काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। मैं जब जर्नी डालता हूँ तो काफी अच्छा 1K तक वीडियो पहुंच जाती है, जो कि मुझे इनफ है। अभी आगे बढ़ जाएगी, वो आगे बढ़ेगी, आप लोग सपोर्ट करेंगे ऐसे ही बिल्कुल बढ़ती रहेगी। बाकी इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि यार पीयूष भाई के बहुत व्लॉग वो व्यू आते हैं, सब्सक्राइबर्स बहुत हैं, तो वो कहते हैं अर्निंग बहुत ज्यादा होती होगी, तो उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन और क्लियरिटी। मैं ये कहना चाहूंगा, जो सब्सक्राइबर होते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कितनी इनकम होती है, क्योंकि मोहित भाई हैं हमारे टेक्निकल एम्बेसिंग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनके 3,500 सब्सक्राइबर बहुत पहले ही हो गए थे खैर, और आप जल्दी से इस पे और प्यार दिखाइएगा जिससे कि 5,000 का जो टारगेट है हमारा इस साल में पूरा करने का वो पूरा हो जाए। तो मैंने मतलब इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, फिर भी मेन काम है आपका व्यू आने का, आपके जितने व्यू आएंगे आपकी उतनी इनकम होगी। अब मैंने आपको जैसा बताया रियल न्यूज़ में क्या होता है, पुरानी वीडियो डेड होती रहती है, नहीं आती रहती है, तो आपके व्यू इंक्रीज़ नहीं होते, और आपके जब व्यू इंक्रीज़ नहीं होंगे तो आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। इसलिए मैंने उसको बंद किया और अब मैं नॉर्मल ही जो वीडियोज़ हैं जैसे ट्रेन जर्नी उनको मैं पोस्ट कर रहा हूँ, जिससे जो मेरे व्यूज़ हैं वो रेगुलर रहे। तो अभी मैंने एक बार ही पेमेंट लिया अभी तक, और अब दूसरी पेमेंट आपके प्यार की वजह से आई जाएगी। ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है भाई साहब, बिल्कुल सही। तो इतना ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि भाई पीयूष भाई कमाई की वजह से ऐसा कर रहे हैं, ये कमाई नहीं है, ये इनका पैशन बोलता है। बिल्कुल, मतलब कमाई बहुत ना के बराबर है, लेकिन फिर भी मुझे अब अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा प्यार दिखाते हैं, सपोर्ट दिखाते हैं और इतने अच्छे कमेंट मिलते हैं। तो अगर आप भी अगर क्रिएटर हैं और इस तरीके के वीडियो डालेंगे, अगर आपके पास ऐसे कमेंट आ रहे हैं तो आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएंगे, आपको मतलब आप लगेगा ही नहीं कि आप फालतू में अपना जो पैसा है वो बर्बाद कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी बात रहती है पूरे यूट्यूब जर्नी में। तो गाइस ये था हमारा पीयूष भाई का यानी कि जो ट्रेन एडवेंचर है कहलाया जाता है इस नाम से, और लोग इन्हें जानते हैं तो इनका इंटरव्यू। बाकी आपको कुछ जानने को मिला होगा, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानने को मिला है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।